क्या आप भी एयरपोर्ट की जॉब पाना चाहते हैं तो तैयार हो जाए एक और शानदार वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, सांगानेर एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 10वीं पास से लेकर 12वीं पास कैंडिडेट के लिए वैकेंसियाँ आई हैं। ये सीधी वैकेंसी रहने वाली हैं, यानी इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट भर्ती आपकी रहने वाली हैं। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा और उसके बाद में सिलेक्शन दे दिया जाएगा। इस वैकेंसी वीडियो के अंतर्गत आपको फॉर्म कैसे भरना है, किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, पूरी प्रोसेस की जानकारी दे दी जाएगी। आयु सीमा में भी बहुत बढ़िया इसमें छूट दी गई है। इसके अंतर्गत सैलरी, इसके अलावा आपका इंटरव्यू कब होगा उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। ऑल इंडिया जॉब है दोस्तों, मेल और फीमेल दोनों इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर, ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, सांगानेर एयरपोर्ट का ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, इसके अंतर्गत वैकेंसियाँ कौन कौन सी हैं तो दोस्तों बता देता हूँ। जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की 2 वैकेंसियाँ, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 21 वैकेंसी हैं, कस्टमर सर्विस जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की 21 वैकेंसी हैं, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव 18, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की 17 और हैंडी मैन की 66 वैकेंसियां रहने वाली हैं। आपका जो इंटरव्यू है दोस्तों वो रहेगा मध्यवर्त एविएशन एकेडमी 102 विनायक प्लाजा डॉक्टर्स कॉलोनी बुद्ध सिंहपुरा सांगानेर जयपुर के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपका इंटरव्यू कब रहेगा तो वो देख लीजिए दोस्तों। हैंडी मैन के लिए अगर कोई फॉर्म भरना चाहता है तो आपका डायरेक्ट इंटरव्यू 11 मई 2024 को रहने वाला है। यहाँ पे जाते समय आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के साथ में लेके जाना होगा। वो कैसे भर के लेके जाना है वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके अलावा यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका इंटरव्यू 10 मई को रहने वाला है। टाइम भी इन्होंने दिया है 9:30 बजे से 12:30 के बीच में। रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए दोस्तों, और जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए 9 मई को आपका एग्ज़ाम रहने वाला होगा। इसके अंतर्गत आपको थोड़ा सा डिटेल में और दे देता हूँ, ताकि आपको सैलरी का और एज का पता लग जाए। तो दोस्तों, हम जो हाई क्वालिफिकेशन की जॉब उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, हम मेनली बात करेंगे हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की। तो रैंप ड्राइवर के लिए आपका 10वीं पास होना जरूरी है, साथ ही आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। आपको सैलरी, शुरुआती सैलरी है दोस्तों ये 21,270, बाद में आपकी सैलरी और आपको अलाउंस भत्ता एक्स्ट्रा दिया जाएगा। इसके लिए आपकी अपर एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अंतर्गत आपको अगर ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हो तो 3 से 5 साल की छूट भी इसमें दी जाएगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं दोस्तों हैंडी मैन के लिए, इसके अंतर्गत आपका 10वीं पास होना जरूरी है और आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज। इसके लिए आपकी जो शुरुआती सैलरी है वो 18,840 रुपये दिए जाएंगे। इसमें भी सेम एज आपकी मांगी गई है, यानी 28 साल, और एससी एसटी कैंडिडेट को 3 से 5 साल की छूट दी जाएगी। आपका सिलेक्शन किस आधार पे होगा तो हैंडी मैन के लिए आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसमें फिजिकल में आपको वो जो बैग उठाते हैं, बैग उठा के चेक करवाया जाएगा कि बंदा बैग उठा सकता है या नहीं, यानी वेट लिफ्टिंग, छोटा वजन उठाने का काम करवाया जाएगा। थोड़ी बहुत रनिंग आपसे करवाई जाएगी, रनिंग इन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने होगी, तो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर की रनिंग आपकी हो सकती है। जो कैंडिडेट फिजिकल में पास होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट, यानी सेम डे ही आपका एक दिन में प्रोसेस कर लिया जाएगा, यानी 11 मई को ही आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जॉब लगोगे या नहीं लगोगे। अगर आप रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भर रहे हैं, यानी ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए आपका जो MT का ज्ञान है वो उसमें टेस्ट आपका लिया जाएगा, यानी ट्रेड टेस्ट आपका लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इन दोनों पोस्ट के लिए आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अभी हम चलते हैं इसके ऑफलाइन फॉर्म के ऊपर, वो किस प्रकार आपको भरना है और किस प्रकार आपको लेके जाना होगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके फॉर्म पर। यह फॉर्मेट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट।
वहाँ पे ज्वाइन करके आप ये फॉर्म ले सकते हैं। अदरवाइज आपका जो भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज है, फॉर्म से रिलेटेड हो गई या वैकेंसी से रिलेटेड हो गई, आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंतर्गत भी और व्हाट्सएप ग्रुप के अंतर्गत भी। बात करते हैं दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्मेट का, जो ऊपर वाला पोर्शन मिलेगा उस पर लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको आप खाली छोड़ देना है। इसके नीचे दोस्तों आपको लिखना है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन के अंतर्गत। राइट साइड की बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे आपका फोटो चिपकाना है, जो नवीनतम आपका फोटो है। फोटो चिपकाने के बाद उसके ऊपर सिग्नेचर इस प्रकार करना है कि आधा आपका नीचे की तरफ और आधा फोटो के ऊपर आ जाए। इसके अलावा पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसका यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। अगर गर्ल्स फॉर्म भर रही है तो यहाँ हैंडी वुमेन कर सकती हैं। बात करें दोस्तों सिलेक्टेड स्टेशन, चेन्नई, वडोदरा और जयपुर तीनों स्टेशन में से जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस स्टेशन का नाम आपको लिख देना है। उसके बाद में पूछा गया है कि दोस्तों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंतर्गत आपका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। जिसका है वो यस कर देना, जिसका नहीं है वो नो कर देना है। उसके बाद में आपका दोस्तों नेम इन ब्लॉक लेटर, आपका जो नाम है वो ब्लॉक लेटर के अंतर्गत मांगा गया है। पहला नाम, मिडिल नेम और सरनेम, हमारा कोई मिडिल नेम नहीं है तो जिसका भी मिडिल नेम नहीं वो फर्स्ट और लास्ट नेम लिख सकता है। उसके बाद में फादर्स नेम के अंतर्गत आपके पिताजी का नाम मांगा गया है, जो भी पिताजी का नाम हो वो लिख देना है। दोस्तों ये फॉर्म आप पूरा ब्लॉक लेटर के अंतर्गत भी भर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन नाम जरूर ब्लॉक लेटर में आपको फिलअप करना है। डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड के अंतर्गत देख के भरेगा, क्योंकि वहाँ पर आधार कार्ड मैच किया जाता है तो वहाँ पर आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। प्लेस और स्टेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका आधार कार्ड के अंतर्गत डेट ऑफ बर्थ का स्थान है वो स्थान आपको डालना है, जैसे सिटी और स्टेट आपका इसमें हो गया। बात करें नेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत दोस्तों ये आपका 3 से 4 पेज मिलने वाले हैं, जो आराम से केयरफुली आपको दो फॉर्म निकलवा लेना है और उसको सही तरीके से भर देना है। एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस, जो भी आप रहते हो वहाँ का एड्रेस क्या है वो पूछा गया है, तो विलेज आपका डाल देना है। अगर आप सिटी में रहते हो तो सिटी का नाम डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा रहेगा और पिन कोड और स्टेट आपको डाल देना है। इसके अलावा नेक्स्ट के अंतर्गत जो कंपलसरी है दोस्तों, मोबाइल नंबर आपका पक्का मेंशन करना है और ईमेल आईडी आपकी मैंडेटरी है, यानी ये आपको डालना ही डालना है, क्योंकि कई बार इंफॉर्मेशन आपको मोबाइल और ईमेल के थ्रू दे दिया जाएगा। जेंडर के अंतर्गत आपका मेल है तो मेल कर दीजिए, फीमेल है तो फीमेल कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस, अगर आपने मैरिड है तो दोस्तों एक्स का निशान यहाँ पे आपको कर देना है, अगर अनमैरिड है तो भी एक्स का निशान नीचे अनमैरिड के नीचे कर देना है। मैंने नीचे गलती से अनमैरिड लिख दिया, वहाँ पे आपको एक्स का निशान करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेशनलिटी के अंतर्गत अगर आप इंडिया के हैं तो इंडियन कर दीजिएगा। रिलीजन के अंतर्गत हिंदू आपको लिखना है। उसके अलावा मदर टंग, आपकी जो भी मदर टंग है जैसे हिंदी, मारवाड़ी या जो भी आपको मदर टंग है बंगाली, तो यहाँ पर आपको लिख देने हैं। उसके बाद में आपके पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको लिखना है, पैन कार्ड जिसके पास नहीं है वो पैन कार्ड बनवा लीजिएगा। आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके अलावा कौन सी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे SC, ST, OBC, EVS या जनरल, तो यहाँ पर आपको अक्स का निशान कर देना है, या दोस्तों आप अपनी OBC भी लिख सकते हो। इसके अंतर्गत तो बोला गया है कि एक्स का निशान जरूर लिखिए, तो एक्स का निशान ही आप करिएगा। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया है कि वेदर एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। और नीचे पूछा गया कि आप दोस्तों पुलिस सर्विस के अंतर्गत है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज ना कर देना है। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन के अंतर्गत हम चलते हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई। इसमें पूछा गया है कि आप वर्किंग करते हैं यानी गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे मेन है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना है। इसमें पूछा गया कि आपके 10th के अंतर्गत कौन सी क्लास से यानी कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया, तो जो आपकी स्टेट बोर्ड है वहाँ पर आप लिख दीजिए। कोई दोस्तों सेंट्रल से किया है तो CBSE यहाँ पर लिख सकता है। आपने कौन से साल में पास किया उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देना है। ड्यूरेशन कितना लगाया, 1 ईयर का ही लगते हैं मैक्सिमम, तो 1 ईयर कर देना है। उसके बाद में आपके परसेंटेज या डिवीजन जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। जो CBSE वाले हैं उनके शायद डिवीजन परसेंटेज में नहीं, डिवीजन में भी किसी किसी का होते हैं, तो डिवीजन यहाँ पर आपको लिख देना है। ऐसे ही अगर आप जो भी कैंडिडेट 12th डिप्लोमा या ITI कर रखे हैं तो बढ़िया है, वो यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन डाल देना है। मेरी तरह अगर कोई 10th पास ही है तो 10th तक ही इन्फॉर्मेशन डालना है, बाकी आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जो 15 नंबर कॉलम है वो थोड़ा देखिएगा,
इसमें पूछा गया है जो भी अगर आपको नॉलेज है भाषा का उसमें अक्स का निशान कर देना है, जिससे इंग्लिश का नॉलेज मेरे को पढ़ना भी आता है, लिखना भी आता है और बोलना भी आता है, तो तीनों में अक्स कर दिया। अगर आपको केवल पढ़ना आता है तो आप केवल एक में कीजिएगा। वैसे सेम हिंदी के अंतर्गत है और लोकल जो भाषा है उसके अंतर्गत मांगा गया है, वो भी आपको सारों में अक्स कर देना है जिस जिसका आपको नॉलेज रहने वाला है। तो 15 नंबर कॉलम तक अपना कंप्लीट हो गया। 16 नंबर कॉलम में पूछा गया कोई वर्क का आपको एक्सपीरियंस है, तो हमको तो भाई कोई एक्सपीरियंस है नहीं, तो हमको इसको नील छोड़ दिया। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आपको उसकी जानकारी भर देना है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, कब काम किया था, कब से कब तक काम किया क्या, और नंबर ऑफ ईयर यानी कितने साल का एक्सपीरियंस है, नेचर ऑफ जॉब क्या जॉब आपने की थी। उसके बाद में पर्टिकल्स और ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आप रैंप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस आपको पक्का चाहिएगा। अगर आप हैंडी मैन या हैंडी वुमेन के लिए फॉर्म भर रहे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके अंतर्गत दोस्तों आपको जो अगर लाइसेंस है तो बढ़िया रहेगा, जैसे मेरे पास मोटर व्हीकल है तो मैंने लाइट मोटर व्हीकल लिख दिया, उसके ऊपर ही लाइसेंस के ऊपर ही आपके नंबर लिखे हुए होंगे तो वही आपको डाल देना है, और डेट ऑफ इश्यू भी उसी के ऊपर नोट रहती है कि कब तक आपका लाइसेंस बना और कब तक वो वैलिड रहने वाला है, उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको 18 नंबर कॉलम के अंतर्गत एक जो बैंक ड्राफ्ट मांगा गया है 500 रुपये का, उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कौन से बैंक से आपने कटवाया और उसकी ब्रांच कहाँ पे है, डेट ऑफ इश्यू उसकी क्या है, इसके अलावा डिमांड जो ड्राफ्ट नंबर है वो क्या रहने वाला है, और अमाउंट तो इसमें ऑलरेडी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके अलावा दोस्तों लास्ट कॉलम में लिखा है रिलेटिव वर्किंग इन AI एयरपोर्ट सर्विसेज और सिस्टर कंपनीज, यानी अगर इसकी कंपनी जो रिलेटेड कंपनी है उनमें या एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंतर्गत अगर आपका कोई रिलेशन वाला काम कर रहा है या नहीं है, अगर कर रहा तो यस कर दीजिए, नहीं कर रहा तो इसमें ब्लैंक छोड़ देना है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो गई है। तो लास्ट के अंतर्गत आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा, उसके आपको प्लेस डेट डाल के सिग्नेचर आपको इसमें कर देना है। यहाँ पे आपका काम खत्म हो गया, इसको आपको लेके जाना है, जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा उसको इंटरव्यू के दिन आपको इसको लेके जाना है, सारे डॉक्यूमेंट जो मेन है उसको भी लेके जाइएगा, ताकि दोस्तों आपको बाद में कोई दिक्कत ना रहे, आराम से दोस्तों इंटरव्यू दीजिएगा और सिलेक्शन लेके आइएगा। तो जय हिंद जय भारत।